अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डोनेशन के बारे में, चंदा इकट्ठाई जो किया जाता है उसके बारे में। बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी तंजीमें हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट से, और उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, कितना पैसा इकट्ठा किया, कहाँ लगाया, ये वो सारा कुछ हिसाब किताब होता है। ओमान में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसके बावजूद एक तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, इदारे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के अंदर, कि ये इदारे जो हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं या जरूरत का सामान जो है वो इकट्ठा करते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी फेक कंपनीज भी हैं, बहुत सारे इलीगल ग्रुप्स हैं जो कि ऐसे ही आपको या तो कहीं जाते हुए या ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो एड इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, चंदा वगैरह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको सख्ती से मना किया है, पब्लिक को भी और उन तमाम ग्रुपों को भी, उन तमाम इंडिविजुअल्स को भी, कि इलीगल जो चंदा इकट्ठा करना है वो इलीगल है, और अगर कोई पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सो आप लोग भी कभी भी एड वगैरह जो आप देते हैं, डोनेट करते हैं, तो जरूर एहतियात कीजिए कि आप किसी लीगल अदारे को दे रहे हैं जो कि वाकई ही जरूरतमंद तक पहुंचेगा। क्योंकि आपको पता है कि अब सिंपल अल्फाज में बोलें तो दो नंबर ही बहुत है। लोग यानी ऐसे ड्रामा करते हैं कि जी हम इस मकसद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, हम इस मकसद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, हम फलां मुल्क बेचने के लिए, फलां जगह पर लोगों मुश्किल हल करने के लिए जो है ना वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में वो खुद ही खा जाते हैं। सो हमेशा जो है कोशिश करें, एक तो अपने हाथ से दें सदका, लेकिन आप कहीं और भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो किसी लीगल जो है इदारा जो है उनको दें। किसी अननोन जिसका आपको पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है, या इवन कि अगर आपके मन में डाउट है कि आई नेवर हर्ड अबाउट इट, मैंने कभी देखा नहीं, ये कभी सुना नहीं, ये कौन सा इदारा है ये वो, सो अगर आपको भी लग रहा है कि कन्फर्म नहीं है तो डोंट डू दैट। आप यानी कन्फर्म करने के बाद ही उनको दें, उनको जस्ट मैनेज दैट टाइम। और बहुत सारे रजिस्टर्ड इदारे हैं, अच्छे अच्छे इदारे हैं जो वाकईतन ही लोगों की हेल्प करते हैं, आप उनको दें। बल्कि रिकमेंडेड तो यही है कि आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपके इर्द गिर्द हजारों लोग होंगे जो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, जिनको जरूरत होती है चीजों की, पैसों की, आप उनकी मदद करें। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़कात जो है या सदका वगैरह जो है वो पहले तो अपने से शुरू होते हैं, अपने अजीज़ो कारब से शुरू होता है। अगर आपके अजीज़ो कारब में कोई मुश्तिक है तो उसको दें। सो इसी तरह आपके जानने वाले, आपके अजीज़ो कारब, आपके इर्द गिर्द जिन लोगों को आप जानते हों या जहां पर आप रहते हों इर्द गिर्द, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वाकईतन जिनको जरूरत होती है, आप उनको दें पहले, उसका ज्यादा अजर होगा, उसके बाद फिर आगे जाए इंशाल्लाह। मदद करनी चाहिए, सभी की करनी चाहिए, हर जगह पर करनी चाहिए, लेकिन पहले अपने से शुरू करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। सो हमेशा जो है लीगल कंपनी को जो है वो चंदा दें, जो यानी आप जो डोनेशन करना चाहते हैं। कहीं पर भी आपको डाउट हो, डोंट डू देयर अनलेस यू आर कंफर्म। सो इंशाल्लाह खैर, उम्मीद है आप सब लोग इस चीज का जो है एहतियात करेंगे और इस चीज को जहन में रखेंगे कि बहुत सारे फेक लोग जो हैं, बहुत सारे इलीगल कंपनी जो हैं, वो भी ये काम कर रही हैं, लेकिन वो चंदा उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता, वो शिया जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचती, वो खुद ही हड़प कर जाते हैं। सो इंशाल्लाह खैर, उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला हदायत दे और हम सब लोगों को हमेशा जो है एक दूसरे की मदद करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा ख्याल रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।